हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वाइंस ऑफ गिकलैंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन गिकलैंड देयर इज ए ग्रिड ऑफ क्वाइंस ऑफ साइज एन क्रॉस एन। हमारे पास बेसिकली एक एन क्रॉस एन का 2D मैट्रिक्स दिया गया है जिसके हर एक एलिमेंट क्वाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ क्वाइंस इन एनी सब ग्रिड ऑफ साइज के क्रॉस के। और हमारे पास एक और साइज दिया गया है के। हमें फाइंड आउट करना है कि के क्रॉस के साइज के किसी भी सब ग्रिड में सबसे ज्यादा सम किस सब ग्रिड का है, उस सम को हमें रिटर्न करना है। बेसिकली हमें क्या करना है कि एक हमारे पास बड़ा मैट्रिक्स दिया है और एक साइज दिया है कि इस साइज के, मतलब इस साइज के मैट्रिक्स कितने उसमें हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सम किस सब ग्रिड के हैं। नोट क्या लिखा है, क्वाइंस ऑफ द निगेटिव डिनोमिनेशंस आर ऑल्सो पॉसिबल एट गिकलैंड। मतलब जो क्वाइंस हैं हो सकते हैं निगेटिव भी हो। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है 5x5 साइज का, तो हमें क्या करना है, एक की का वैल्यू दिया है 3, तो हमें क्या करना है 3x3, मतलब 3x3 साइज के इसमें जितने सब ग्रिड हैं सबको हमें कंसिडर करना है और सबका सम निकालना है, और लास्ट में जो सम सबसे ज्यादा होगा उस सब ग्रिड को हमें रिटर्न करना है और उसका सम। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, 8674445555। ये आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि यार के इक्वल टू हमारा 3 है और ये 3x3 का है, तो इस मैट्रिक्स में ये हमारा यहाँ है 8674445555 और इसका सम हमारा है 48 जो सबसे ज्यादा है, और इसी को हमें रिटर्न करना है। तो आई थिंक अभी तक आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन एक बार और अच्छे से समझते हैं और फिर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स दिया है, इसमें हमें के क्रॉस के मतलब 3x3 का एक ऐसा सब ग्रिड फाइंड आउट करना है जिसका सम सबसे ज्यादा हो। तो इस केस में हमारा सम सबसे ज्यादा किसका है, 8674445555 का। तो सॉल्व कैसे होगा, सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो देखो, जो नाइव अप्रोच और जो मेरे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो कैसे होगा, तो मैं अपने दिमाग में आइडिया लाऊंगा कि मैं यार क्या करूंगा कि के इक्वल टू 3 दिया है, इक्वल टू 3, तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स में जितने भी 3x3 साइज के मैट्रिक्स बन सकते हैं मैं सबको कंसिडर करूंगा, सबका सम निकालूंगा और लास्ट में मैं कंपेयर करूंगा कि सबसे ज्यादा सम किसका है, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ध्यान से समझो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊंगा, जो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि मैट्रिक्स जितना साइज का है, ठीक है, और जो की है उससे लेस ही होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो मैं देखूंगा जो के इक्वल टू 3 है तो 3x3 साइज का इसमें कितना मैट्रिक्स बन सकता है, जितना बनेगा मैं सबका सम निकालूंगा और उसमें जो सबसे ज्यादा सम आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो कैसे होगा, जैसे देखो 3 इसका साइज है, तो मैं क्या करूंगा 3x3 का मैट्रिक्स निकालूंगा, तो ये हमारा सबसे पहला निकल जाएगा ए, ये पहला हो गया। फिर मैं दूसरा निकालूंगा, तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ए 3x3 का, ए 3x3 का एक और ए हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं तीसरा निकालूंगा तो ये हमारा 3x3 का एक और हो जाएगा ए, इसको देखो। वैसे ही चौथा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, वैसे हमारा पांचवा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, पांचवा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, मतलब 3 साइज का लेना है, ठीक है, तीन तीन साइज का लेना है, तीन तीन साइज का। और ये हमारा कहाँ से हो जाएगा, हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, एक यहाँ से लेना है, यहाँ से। तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, जितना भी 3x3 का होगा मैं सबको ले लूंगा, और मैं जैसे मैंने इसको लिया है 1 1 1 2 2 2 3 8 6, तो मैं इसका सम निकालूंगा, इसका सम कितना हो जाएगा 26, वैसे ही दूसरा का सम कितना हो जाएगा 30, मैं सम लिख लेता हूँ, फिर हमारा हो जाएगा 25, फिर हमारा हो जाएगा 35, फिर 39, फिर 34, मैं इसका सम लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर 44, फिर 48 और फिर हो जाएगा हमारा 43। तो हमने क्या किया है, हमने के क्रॉस के का जितना भी मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट कर सकता है मैंने सबको कंसिडर किया है और सबका सम निकाल लिया है। मैंने क्या किया, सबका सम निकाल लिया, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा सम किसका है। तो मैं देख पा रहा हूँ सबसे ज्यादा सम है 48, सबसे ज्यादा सम क्या है 48, और 48 ही हमारा आंसर है, इसी को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, इसी को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा,
हमारा क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक फोर लूप मुझे लगाना पड़ेगा आउटर फोर लूप रोज के लिए, मैट्रिक्स के रोज के लिए, और एक लगाना पड़ेगा इसके मैट्रिक्स के कॉलम के लिए। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर तो यही हो गया, ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक कॉलम के लिए, हर एक कॉलम के लिए मुझे फिर से के क्रॉस के में जाना पड़ेगा और इसका सम निकालना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हर एक रोज और कॉलम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से के क्रॉस के जाना पड़ेगा, के इंटू के मतलब जो के साइज है उतना रोज और उतना कॉलम में जाना पड़ेगा और फिर से इसका सम निकालना पड़ेगा, तो के स्क्वायर और आ जाएगा। तो इस तरह जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगा वो बन जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर के स्क्वायर, जो अपने आप में काफी बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसे आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब। आपको क्या बोलना है, सर मैं क्या करूंगा, जो मैट्रिक्स हमारा दिया गया है उसमें मैं के क्रॉस के का जितना भी मैट्रिक्स होगा मैं सबको कंसिडर करूंगा, सबका मैं सम निकालूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि क्या इसमें से जो सबसे ज्यादा सम है कौन है। तो जो भी सबसे ज्यादा सम उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 48। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ वन, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या ये जो सोल्यूशन है एक्सेप्टेबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत ज्यादा है। और किसी भी प्रोग्राम को हम एफिशिएंट तभी बोलते हैं जब वो कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले। तो इसी के साथ मैं वीडियो में बढ़ूंगा आगे और आपको बताऊंगा एक और अच्छा सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि n इक्वल टू 5 दिया है और k इक्वल टू दिया है क्या, 3। आपको इतना पता है, आपको इतना पता चल गया। जब इतना पता चल गया तो हमने पिछले सॉल्यूशन में क्या किया है कि हर एक के इंटू के साइड का हमने सम निकाला है। हमने क्या किया है, हर एक के इंटू के साइड का हमने सम निकाला है, फिर हमने कंपेयर किया है। तो वहां सम जो मैं निकाल रहा हूं तो उसका अलग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जा रहा है ओ ऑफ के स्क्वायर लग जा रहा है क्योंकि साइज के है। तो इस सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा कि मैं पहले से ही सम को निकाल कर कहीं स्टोर किया रहूंगा और मुझे अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट वहीं से कंपेयर कर लूंगा और आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो इस केस में मुझे प्रीफिक्स सम इसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि मैं पहले से ही सम को कैलकुलेट कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले से ही सम को कैलकुलेट कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स जिसका नाम है प्रीफिक्स सम, जैसे पी एन प्लस वन एन प्लस वन साइज का, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स का साइज है उससे एक साइज बढ़ाकर हमें क्या करना है, प्रीफिक्स सम बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो जैसे ए है हमारा 5 × 5 का, तो ये हमारा होगा कितना, 6 × 6 का। तो आप यहाँ डिब्बा पर मत जाओ, मैं आपको काफी ध्यान से बताता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो काफी ध्यान से देखना है यार, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यार क्वेश्चन जो काफी फैंटेस्टिक है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है। और अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे इस टाइप का क्वेश्चन तो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, कोई पढ़ा कर डाला ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको काफी अच्छे से यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं काफी ध्यान से बता रहा हूँ, आराम आराम से, ताकि आपको चीजें समझ में आए, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर सारा का सारा मेरा पढ़ाई बेकार हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, एक प्रीफिक्स मैट्रिक्स बनाया है n+1 × n+1 साइज का। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो इसमें 0 डाल दूंगा, सबको 0 से क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा। वैसे जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इसको मैं क्या करूंगा, 0 से फिल कर दूंगा, 0 0 0 0 0। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, आपको मैं क्या करूंगा, एक बात बताऊंगा। देखो अगर प्रीफिक्स सम का क्या मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊँ, इस पॉइंट पर, तो मुझे इन सब का सम यहाँ मिलना चाहिए, ये चारों एलिमेंट का सम मुझे यहाँ मिलना चाहिए। वैसे ही अगर मैं फोर्थ इस पॉइंट पर जाऊँ, इस पॉइंट पर, तो मुझे ये सारा जो एलिमेंट है ये सबका सम, ये सबका सम मुझे यहाँ मिलना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सबका सम यहाँ मिलना चाहिए। अगर मैं इस एलिमेंट पर जाऊँ लास्ट वाला, तो मुझे इस सारा का सारा जो एलिमेंट है सबका सम मुझे यहाँ मिलना चाहिए, मुझे यहाँ मिलना चाहिए। यही प्रीफिक्स सम का मतलब है, यही क्या है, प्रीफिक्स सम का मतलब। अब मैं इसको डिलीट करूंगा, अभी शायद आपको समझ में आया होगा, मैं फिर एक बार और समझाता हूँ। देखो प्रीफिक्स सम का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ इस एलिमेंट पर, तो मुझे इन दोनों का सम मिलना चाहिए। अगर मैं इस एलिमेंट पर जाऊँ तो
तो मुझे इन तीनों एलिमेंट, ये जो स्क्वायर बन रहा है, इस सब का सम मुझे यहाँ मिलना चाहिए। यही प्रीफिक्स सम का क्या है मतलब है, यही प्रीफिक्स सम का क्या है मतलब। तो अब देखो, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको फिल करना है। अब मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है, कैसे फिल होगा, तो अब ध्यान से देखो। अब मुझे इसको फिल करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला यहाँ बनाऊंगा, प्रीफिक्स ऑफ आई ऑफ जे, मतलब ये प्रीफिक्स हमारा है, इसका नाम है पी। इसका नाम क्या है पी, मतलब वन और वन पर कौन से एलिमेंट को मैं फिल करूंगा, कौन से एलिमेंट को। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस, मतलब मुझे इस एलिमेंट को पहले करना पड़ेगा जो सबसे पहले है, इसको प्लस इस एलिमेंट को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ ये हमारा आई है, आई और जे माइनस वन प्लस पी ऑफ जे आई माइनस वन, सॉरी 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 एक मिनट, यहाँ पहले आई होगा, आई माइनस वन और फिर जे, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ध्यान समझना है, क्योंकि आप एक बार ध्यान समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो काफी मुश्किल एक क्वेश्चन है, समझ में आता ही नहीं है। पहले आई मैंने रखा है, पहले मैं आई का रखूंगा, पी का रखूंगा, पी ऑफ आई माइनस वन और जे, हमने क्या किया है, इस एलिमेंट को ऐड किया है, इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, और लास्ट में इस एलिमेंट को माइनस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन। अब बहुत सारे लोग के समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोग के समझ में नहीं आया। हमें क्या करना है प्रीफिक्स सम निकालने के लिए, प्रीफिक्स सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ तक देखो, जैसे ए सम निकालना है, ए सम कि यहाँ इस पॉइंट पर क्या सम होगा, जैसे मुझे ए निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जो सम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो सम है, यहाँ से यहाँ तक जो सम है, इसको निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझो, अभी समझ में आएगा। अगर मुझे पॉइंट जो टू है, टू इस पर निकालना है कि कितना सम है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करूंगा, इन दोनों को, और फिर इन दोनों एलिमेंट को ऐड करूंगा, और फिर इस एलिमेंट को ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ चार एलिमेंट है, एक दो तीन चार। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट को ऐड करूंगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ तो वन और टू, टू ऐड हो जाएगा, टू प्लस, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, वन और टू कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री प्लस, मैं इसको ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, टू, और फिर मैं क्या करूंगा, माइनस वन करूंगा, वन, क्यों, क्योंकि यार देखो यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें भी ये वन आ रहा है, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो इसमें भी ये वन आ रहा है, तो दो बार जब वन आ रहा है तो एक बार मुझे वन को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच प्लस दो सात माइनस एक इक्वल टू सिक्स, सिक्स आ जाएगा। और अगर मैं एलिमेंट को ऐड करता हूँ, यहाँ है वन वन टू टू फोर टू सिक्स, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स, और सिक्स तो हमारा आ रहा है। तो इसी के लिए हमने इस फॉर्मूला को बनाया है कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ सम का वैल्यू क्या होगा, कि ए ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, कि पहले इस एलिमेंट को, ए का जो वैल्यू है, इस एलिमेंट को इसको ऐड करना है, ए ऑफ आई माइनस वन, यहाँ अगर आई इक्वल टू वन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। अभी मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझाऊंगा, पहले ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं है, ये बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन मैं काफी आसानी से आपको समझा दूंगा। तो हमने क्या किया है, ए ऑफ इसको ऐड किया है, इसको ऐड किया, फिर मैं क्या किया हूँ, पी ऑफ आई जे माइनस वन, इसको ऐड किया हूँ, इसको, फिर मैं क्या किया हूँ, इसको ऐड किया हूँ, इसको, और जो यहाँ एलिमेंट रहेगा, यहाँ जो एलिमेंट रहेगा मतलब ए वन, इसको मैंने ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को, फिर इन दोनों को ऐड करना है, और यहाँ जो एलिमेंट रहे, यहाँ जो एलिमेंट क्या है, वन है, तो यहाँ वन है, और माइनस, फिर चूंकि यहाँ मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, फिर यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो इसको मैंने दो बार यूज कर लिया है, दो बार यूज किया तो एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा, दो बार मैंने यूज किया है तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस, एक बार और समझो, एक मिनट, एक बार और आपको समझना है काफी ध्यान से, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, बहुत सारे लोगों को समझ में आता ही नहीं, लेकिन मैं आपको काफी ध्यान समझा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, देखो ये देखो हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है, कि यहाँ क्या सम होगा, यहाँ क्या सम होगा, तो यहाँ क्या सम होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सम, इसका सम, इसका सम कितना होगा, इसका अगर मैं सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, इसका अगर मैं सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसका सम निकाल रहा हूँ तो इसमें भी हमारा ये जीरो आ रहा है, अगर मैं इसका सम निकाल रहा हूँ इसमें भी हमारा जीरो आ रहा है, जब मैं दो बार आ रहा है लेकिन मुझे एक बार ही कंसिडर करना है, तो एक बार मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस,
और यहाँ हमारा क्या एलिमेंट है, यहाँ हमारा क्या एलिमेंट है, ई ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, तो यहाँ हमारा वन है, वन वन। तो इसको ऐड करो, ये डायगोनली दोनों एलिमेंट को ऐड करो, इसको ऐड करो और यहाँ जो एलिमेंट है उसको ऐड करो, तो कितना जाएगा 0 + 0 + 1, और माइनस कर दो इसको, तो कितना जाएगा 1, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ आ गया 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ निकालूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू भी 1 है, तो डायगोनली दोनों एलिमेंट को ऐड करो, कितना हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान से समझना है, प्लस हमारा क्या है, यहाँ 1 है, एक मिनट में मार्कर पर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इस एलिमेंट पर लाऊं 1 और 2 पर, पी ऑफ 1 2 पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस एलिमेंट को ऐड करना है, इस एलिमेंट को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1 कर दिए, प्लस यहाँ जो एलिमेंट है इस पर एलिमेंट क्या होगा, ए ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, हमारा एलिमेंट ए हो जाएगा, ए, तो यहाँ +1 है, और माइनस ए वाला एलिमेंट को, क्योंकि ये दो बार आ जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो भी आएगा, इसको ऐड करूंगा तो भी आएगा, तो यहाँ 0 दो बार आ गया, तो माइनस कर दूंगा 0, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, मैं रेजर लूंगा और आपको यहाँ सिंपली 2 लिख दूंगा, एक मिनट मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2 यहाँ लिख दूंगा, 2। वैसे यहाँ अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ करूंगा कितना आ जाएगा 4, यहाँ करूंगा कितना आ जाएगा 5, इतना समझ में आ गया। और यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारा क्या है 1, तो ऐसे मैं इसको करूंगा तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हमारा कितना एलिमेंट है 2, और यहाँ हमारा जो होगा 2, मतलब 2 और 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 - 3 - 1 कितना, 3 - 0 कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो अगर ऐसे भी आप जोड़ के देखते हो, अगर ऐसे भी आप जोड़ के देखते हो तो आप देखो जैसे 1 1 2, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ तक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ तक क्या आ जाएगा 4, यहाँ तक क्या आ जाएगा 5, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। वैसे ही अगर यहाँ तक एलिमेंट निकालते हो, यहाँ तक का सम, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 यहाँ आ गया, यहाँ तक अगर सम निकालना तो क्या होगा, इस एलिमेंट को ऐड करो, 3 2 5, और यहाँ एक एलिमेंट क्या है 2 है, यहाँ एलिमेंट क्या है 2, तो 3 और 2 5, डायगनली एलिमेंट को ऐड करना है, 2 और 3 कितना होगा 5, तो 5 + यहाँ 2 है, 5 2 7, और -1, 7 - 1 कितना होगा 6, तो यहाँ 6 होगा। वैसे यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15, मैं फटाक से भर देता हूँ, फिर बताता हूँ 6, फिर यहाँ 17, यहाँ 26, यहाँ 36, और यहाँ 42, मैंने इसका वैल्यू लिखा है, मैं भर देता हूँ क्योंकि हर एक चीज़ को मैं यहाँ अगर लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10, यहाँ 25, यहाँ 38, यहाँ 52, यहाँ 62, यहाँ 15, यहाँ 35, यहाँ 53, यहाँ 72, और यहाँ 87। तो जो प्रीफिक्स सम निकालना है, मतलब हर एक जो हमारा इंडेक्स वैल्यू में, हर एक सेल में हमारा क्या वैल्यू होगा, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको, कि मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ सम निकालना है, सम अगर इसका निकालना है, अगर इसका सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, समझाता हूँ फिर से, क्योंकि यार इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब कहा ही नहीं जा सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को मुझे ऐड करना पड़ेगा, इस सम को, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को मुझे ऐड करना पड़ेगा, दो सम को, अभी ध्यान से मैं समझाता हूँ, ध्यान समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को, इस सम को मुझे करना पड़ेगा, इस सम को ऐड करना पड़ेगा, और फिर इस सम को, तो देखो बीच में ये दो बार आ चुका है, इधर भी आ रहा है, और जो मैं रेड वाला को कर रहा हूँ इस पार्ट में, तो इधर भी आ रहा है, मतलब ये दो बार इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको, फिर इस साइड को, फिर इस साइड को, और माइनस बीच वाला साइड को, क्योंकि ये दो बार ऐड हो जा रहा था, एक बार माइनस करना पड़ेगा, और सिंपल से वही चीज हमारा यहाँ लिखा है। तो इससे हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स सम निकल गया, इससे हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स सम निकल गया। अब देखो अब मुझे क्या करना है, जैसे ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स, ये तो हमारा प्रीफिक्स सम निकल गया, प्रीफिक्स एक चीज मेरा निकल गया, और बॉक्स हम मेरा है, जैसे ये हमारा है बॉक्स, और ये हमारा साइज के है, एक के है, आपको पता है, और प्रीफिक्स में मान लेता हूँ ये हमारा आई है और जे है, लेकिन ये जब हमारा के है, जैसे मान लेता हूँ यही हमारा के क्रॉस के का है, यही हमारा क्या है, के क्रॉस के का है, तो ये हमारा आई है, ये हमारा के है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई माइनस के, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल जे है, तो जे माइनस के, ये हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा,
एक पार्ट हमारा ए बच गया और एक पार्ट हमारा ए बच गया, यहाँ यहाँ बच गया, इतना मुझे समझ में आ गया। और ये हमारा जो पार्ट क्या होगा, ये हमारा होगा आई माइनस के जे माइनस के, इतना मुझे समझ में आ गया। ये कैसे हुआ समझाता हूँ, देखो मैं मान लेता हूँ यही मेरा बॉक्स है जो के क्रॉस के का है, मैं क्या मानता हूँ कि यही मेरा जो बॉक्स है के क्रॉस के का है, के क्रॉस के का, जब ए हमारा के हो गया और टोटल हमारा कितना है आई, टोटल हमारा कितना है आई है, ये टोटल हमारा कितना है जे है, जे है एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस, जेड एक्स, जेड एक्स एक्स एक्सिस, ये हमारा आई है ठीक। जब टोटल आई है और ये हमारा के है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई माइनस के, वैसे ही टोटल हमारा जे है और ये हमारा के है तो कितना हो जाएगा जे माइनस के, जे माइनस के। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को अगर निकालना है, इसका अगर मुझे सम निकालना है, देखना है सम कितना है, अगर इस एलिमेंट का मुझे सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल का सम, टोटल का सम माइनस इसका सम, माइनस इसका सम और प्लस ए वाला, क्योंकि दो बार हो जा रहा है। अब यहाँ भी ध्यान समझना है, तो समझ में फिर नहीं आएगा, यहाँ भी क्या करना है ध्यान से समझना है। अब देखो अगर मुझे ये जो जो मैं भर रहा हूँ इसका मुझे सम निकालना है, मतलब इसमें कितना वैल्यू है, अगर मैं पी ऑफ आई ऑफ सॉरी मुझे अगर इसका सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल का सम, टोटल का सम कितना है पी ऑफ आई जे, टोटल वैल्यू कितना है इतना, माइनस इसका सम, ये जो बॉक्स बन रहा है यहाँ तक, यहाँ तक इसका, इसका क्या हो जाएगा पी ऑफ इसका जो हमारा ये पूरा वैल्यू क्या है आई पूरा वैल्यू है आई जे माइनस के माइनस फिर इसका वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या है पी ऑफ हमारा जो आई है, आई का वैल्यू कितना है इसमें, इसमें आई का वैल्यू हमारा कितना है आई माइनस के, आई माइनस के और ये हमारा जे टोटल है, और अब इसमें मुझे प्लस करना पड़ जाएगा क्या ए वाला, ए वाला प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ले रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ तो भी माइनस हो रहा है, अगर मैं इस बॉक्स को ले रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ तो भी माइनस हो रहा है, मतलब ये दो बार माइनस हो जा रहा है, तो एक बार मुझे प्लस करना पड़ेगा, ध्यान से समझो ये मेरा दो बार माइनस हो जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक बार मुझे प्लस करना पड़ जाएगा ठीक है। तो मैं प्लस कर दूंगा, प्लस पी ऑफ आई माइनस के जे माइनस के, और फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट जाएगा, जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग एक बार ड्राई रन करते हैं इसके सॉल्यूशन को और फिर समझने की कोशिश करते हैं ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, एक पी एक प्रीफिक्स सम बनाया है जो एन प्लस वन का है, और उसको मैंने क्या किया एक फोर लगाया है, और क्या किया है उसके फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को जीरो से भर दिया है। ये जो हमारा कोड है क्या कर रहा है, एक प्रीफिक्स सम बना रहा है मैट्रिक्स जिसका नाम है एन प्लस एन क्रॉस एन प्लस वन साइज का, और जिसके फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को जीरो से भर दिया है, इतना हमारा एक कोड कर रहा है। क्योंकि हमारा जो क्वाइंस है इसमें निगेटिव भी है, जो हमारा क्वाइन है उसमें निगेटिव नंबर भी है, तो हमने क्या किया मैक्सिमम को इंट मीन मान लिया है कि सबसे कम है, मैंने क्या किया है मैक्सिमम को इंट मीन मान लिया है कि सबसे कम है ठीक है। फिर मैंने क्या किया एक फॉर लूप लगा है आई इक्वल टू वन जे इक्वल टू वन से, और ये हमारा कोड क्या कर रहा है प्रीफिक्स सम निकाल रहा है, हमारा क्या कर रहा है प्रीफिक्स सम निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है ये कैसे निकाल रहा है प्रीफिक्स सम, यहाँ देखना है ध्यान से प्रीफिक्स सम कैसे निकाल रहा है। जैसे यहाँ मुझे अगर सम चाहिए, अगर मुझे सेवन तक सम चाहिए, जो सेवन एलिमेंट है अगर मुझे यहाँ तक सम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर के इस एलिमेंट का सम, इसके नीचे का इस एलिमेंट का सम और माइनस इसका सम, माइनस ए वाला, क्यों क्योंकि ये दो बार आ जा रहा है, ये दो बार आ जा रहा है तो वही चीज़ यहाँ हुआ है, वही चीज़ यहाँ हुआ है, मैट्रिक्स आई माइनस जे, आई जे माइनस वन का सम प्लस आई माइनस वन का सम प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दो बार आया है, इतना मुझे समझ में आ गया। और फिर कंडीशन चेक करेगा कि इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू के या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो उस केस में क्या करना है, जो हमारा मैक्सिमम है उसको अपडेट करना है मैक्स, और मैक्सिमम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम कैसे निकलेगा यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, यहाँ यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है पी एफ आई जे, इसको एक पार्ट माइनस करो दूसरा पार्ट माइनस करो और लास्ट में तीसरा पार्ट आपको जोड़ देना है क्योंकि दो बार माइनस हो रहा है। तो जैसे आप करेंगे तो आपका ये कोड है सक्सेसफुली रन कर जाएगा, ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है, आपको इधर जावा का कोड भी देखने को मिलेगा, तो सेम टू सेम जावा का भी वैसा ही कोड है, आप जावा का भी कोड देख सकते हो ठीक है, जावा का भी कोड आपको देख सकते हो। वीडियो को पॉज करना है तब समझना है, ड्राई रन करना है, और मैं चलूंगा और सबसे पहले मैं इसका टाइम कंप्लेक्सिटी बताऊंगा, टाइम कंप्लेक्सिटी, तो इसका टाइम कंप्लेक्सिटी काफ़ी आसान है वो अब एन स्क्वायर, क्योंकि दो लूप हमारे पास चल रहा है,
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या आ जाएगा, ओ ऑफ मैट्रिक्स का जितना साइज है, ओ ऑफ एन जो मैट्रिक्स का साइज है, इतना हमने स्पेस इसको लिया है, जितना स्पेस हमने ले लिया। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको पहले इसका कोड दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा सी प्लस प्लस में और सी प्लस प्लस का कोड दिखाऊंगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो जो कोड हमने अभी किया सेम से वही कोड यहाँ लिखा हुआ है। हमने एक प्रीफिक्स सम बनाया है एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन साइज का, उसका मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने भर दिया है जीरो से, और फिर मैंने इंट मैक्सिमम रखा है, और फिर मैंने क्या किया है वन से शुरू किया है लूप को, और यहाँ प्रीफिक्स सम निकाला है जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत नहीं लेना है, वीडियो को फिर से पीछे करके देखना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। इतना आसान सवाल नहीं है, प्रीफिक्स सम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है कि किसी एलिमेंट तक अगर सम निकालना है तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाले एलिमेंट को पूरा ऐड कर देना है, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट को ऐड करना है, फिर जिस एलिमेंट तक सम निकालना है उसको ऐड करना है, और लास्ट में डायगोनल एलिमेंट को माइनस करना है, वैसे सारा सारा प्रोसेस कर देना है। तो कोड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, कंपाइलर रन करूंगा, और जैसे ही मैं कंपाइलर रन करूंगा थोड़ा सा कंपाइलर लेता है टाइम, और हमारा आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा। मैं इसको सिंपली सबमिट कर दूंगा, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये सबमिट भी हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले से इसको बना के रखा है। तो ये सबमिट हो गए, ये सबमिट हो गया। वैसे ही मैं जावा का कोड भी आपको रन करके एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि ये भी कोड हमारा सिंपल से वही है और सही होगा, मैं डायरेक्ट सबमिट ही कर देता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट करूंगा ये भी हमारा सबमिट हो ही जाएगा क्योंकि मैंने जावा में भी कोडिंग करके रखा है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशंस एज वेल एज द कोड, एंड जस्ट इन केस यू डिड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना है, और अगर एक क्वेश्चन आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट करना है। और मैं तो कहूंगा यार जब आप वीडियो दो बार तीन बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समझाने की कोशिश किया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाके वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रोहित नेगी भैया का हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 720 क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो प्लीज आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन की